राम राम भाई सब ने। मैंने भी आज सुबह मावस निकाल दी थी और मावस वाले दिन मावस निकालने के बाद मैं अपना मंदिर जो है डेकोरेट करा करूँ, नवरात्रा तो ही साफ़ सफाई मंदिर की करा करूँ उसके बाद। तो अब की बार मैं सोच रही थी यो लुक जो मंदिर का मैंने दिवाली पे दिया था कि इसने थोड़ा सा चेंज कर लूँ और फिर थोड़ा सा ना उत्ता मेरे पे जब मैं इसमें मंदिर में लाग जाऊँ तो मैं सारी ये चीज़ निकाल कर साफ़ करा करूँ। जितने भी फूल मैंने इस पर लगा रखे थे, जो भी मैंने डेकोरेट कराया था दिवाली पे, वे सारे फूल धीरे धीरे करके मैंने हटाने शुरू कर दिए और कोई भी फूल मैंने छोड़ा नहीं। पूरे मंदिर का जितना भी डेकोरेशन थी वह मैंने सारी निकाल ली थी और जो यो मैंने गोल चक्कर बना रखा है यो मैंने पहले पीछे रख रखा था, अब मैंने ये उठा कर आगे रखवा लिया इस तरिया दरबार मैया के दरबार से आगे, क्योंकि मैं अब मैया के नवरात्रे के लिए पूरा दरबार सजाऊँगी आगे। अब देखो ये जैसे ये दो पैड़ी मेरी पीछे रह गई और इसके आगे रखवा लिया मैंने ये गोलाई वाला। उसके बाद अब मैं इस पे रस्सी वगैरह बांधूंगी ताकि आराम से जो चुन्नी है और जो फ्लावर मुझे लटकाने हैं वो आराम से लटक जाए। तो मैंने इस पे कील लगा ली थी, कील लगाने के बाद मैंने इस पे अपना येलो और रेड थीम रखी है, मैंने सजा लिया। और ये लैस तो मैं उस दिन कतरन मार्केट से लाई थी, इस लैस से ही मैंने आगे से मतलब ये वी शेप दी है मैंने ऐसे ताकि मंदिर की लुक लगे। मंदिर मैंने पूरा डेकोरेट कर दिया है, पहले से ज्यादा सुंदर है। अब मैं सबकी चौकियां लगा रही हूँ मंदिर में, भैया के लिए तो मैं नई चौकी लेके आई थी। क्योंकि मंदिर बता कैसा लग रहा है, बहुत मस्त सुंदर लग रहा है ना, कुछ और डेकोरेशन की जरूरत नहीं ना। ना बस अब यहाँ पे चौकी लगा दूं मैं। लगा दो। ठीक है। मंदिर में आसन और चौकी लगाने के बाद अब मैंने मैया को विराजमान करवा दिया है, स्नान तो मैं इनका खल करवाऊंगी नवरात्रि वाले दिन, पहले से ही तैयारी करती हूँ मैं। कई दिन से भाई सब ही तैयारी कर रहे थे, आखिरकार आज नवरात्रि आ गए हैं। मैंने भी अपनी मैया का पंचामृत से स्नान करवाया है। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद मैंने मैया का श्रृंगार किया, जो ड्रेस मैंने बनाई थी वही पहनाई है मैंने इनको। फिर उसके बाद मैं इत्र लगाती हूँ, लड्डू राधा को भी आज मैंने नए वस्त्र धारण कराए हैं। अब मैं आप सबको अपनी मैया रानी के दर्शन कराती हूँ। नवरात्रि के पहले दिन मेरी मैया रानी के दर्शन कीजिए, मैंने इनको वही ड्रेस पहनाई है और श्रृंगार भी आज इन्होंने अपना बहुत सुंदर करवाया है। और इस तरह फिर मैंने श्रृंगार करके इनको इनके स्थान पर विराजमान करवा दिया और ये लड्डू राधा है जो मेरे तैयार होके ये भी दोनों इतने सुंदर लग रहे हैं, मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी ना लड्डू राधा से और ना मैया पर से आज, मतलब मन कर रहा था यहीं बैठे रहूं। मैंने अपनी तैयारी कर ली है, ये मैंने अपना कलश जल से भर दिया है और कलश में मैं हल्दी सुपारी सिक्का कुछ चावल के दाने डालूंगी और आम के पत्ते इसमें लगाऊंगी मैं, सात आम के पत्ते। और कलश स्थापित करने के लिए मैंने ये रंगों से अष्टदल बना दिया, इसके ऊपर स्थापित करूंगी मैं अपने कलश को। और इधर मैंने नवग्रह बनाए, दीपक जिसमें अखंड दीपक मेरा जगेगा उसमें भी अष्टदल बना दिया, अखंड दीपक मेरा तैयार है उस पर भी मैंने सत्या कर दिया। और इधर मेरा पूजा का सारा सामान ऐसे तैयार है, इलायची होगी जैसे पूजा में काम आती है, लौंग होगी, कमलगट्टा हो गया और इधर सुपारी होगी, ये इस पे ऐसे आम के पत्ते रख के ये एक प्लेट में ऐसे थोड़े से मैंने चावल रख दिए, इसके ऊपर मैं अपना जो है नारियल स्थापित करूंगी।
अपने घर की दहलीज पर मैया के चरण बनाने के बाद मैंने जो मेरी ऊपर मेन गेट की एंट्री है उस पे दोनों सतिये पहले से ही बनाए हुए थे। कोई भी त्यौहार आता है बड़ा तो उन सतियों को दोबारा से रिचार्ज कहते हैं ना, जैसे करना होता है तो दोबारा से ही करना तिलक करना होता है उन दोनों पे, तो मैंने दोनों सतिये निकाले दोबारा से। मेन गेट पे मैया के चरण बनाने के बाद मैंने बिल्कुल मंदिर के बाहर मैया के चरण बनाए हैं। मंदिर में जहाँ एंट्री होती मेरी वहीं पे दोबारा से मैंने मैया के चरण बनाए, और ये मैं सिंदूर से बनाती हूँ और चंदन से। मैया के चरण बनाना बहुत शुभ होता है और नवरात्रे के दिन तो बिल्कुल ही शुभ होता है। दीपावली पे, नवरात्रे पे माँ के, लक्ष्मी माँ के, दुर्गा माँ के चरण जरूर बनाने चाहिए, ये बहुत शुभ होते हैं। फिर मैंने यहाँ भी चरण बना के इनकी भी पूजा अर्चना की, और उसके बाद जो आगे का काम है वो शुरू होता है। पहले चरणों की ही पूजा की जाती है। जय माता की भाई सबको। मैंने कल अपना मंदिर डेकोरेट किया था माँ के भव्य स्वागत के लिए। मैंने डेकोरेशन पूरी चेंज कर दी है। जो ये वाला मैंने गोल आकार का दरवाजा पीछे की साइड लगाया हुआ था, इसको भी मैंने आगे कर दिया है, और इससे भी मैंने दो ये वी शेप की लगाई है, और इसके ऊपर मैं उस दिन दिखा रही थी आपको वो लेस लेके आई थी जो, वो लगा दी। फ्लावर के साथ मैंने डेकोरेशन की है। पीछे की तरफ भी मैंने पूरा येलो और रेड थीम रखी है। मैंने पीछे की तरफ भी मैंने पूरा येलो कपड़ा लगाया है, ऊपर से मैंने ये लाइट वाली इस पे लड़ी लगा दी, और यहाँ से भी पूरा जो गोल चक्कर है मैंने फ्लावर का डेकोरेट किया है, और नीचे पूरा मेरा दरबार है मैया की चौकी मैं यही लगाती हूँ एक साथ। तो ये मैंने अपने मंदिर का जो लुक है वो ऐसे चेंज किया है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। जय माता की सबको, आपके नवरात्रे शुभ हो। इस तरह से भाई मैंने अपने मंदिर को नया लुक दिया है, और मैया के लिए ये दरबार सजाया है मैंने। फूलों का ज़्यादा उपयोग किया है मैंने मैया का दरबार सजाने के लिए। ये मेरे मंदिर की जो फाइनल लुक है वो ऐसी आई है, अब मेरा मंदिर ऐसा लग रहा है। इस तरह से भाई नवरात्रे के प्रथम दिन मैंने अपनी पूजा अर्चना की। माँ शैलपुत्री का दिन था आज। मैं तो दुर्गा माँ में ही माँ शैलपुत्री के सारे नौ रूप इन्हीं में माने जाते हैं, तो इन्हीं की पूजा की। ये मेरी आज की वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।